हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरह से किया जाए, सक्सेसफुली ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आरजीटीएस ट्रेड स्टूडियो से करना है तो किस तरह से करें। फ्रेंड्स, ऑप्शन ट्रेडिंग वैसे भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। जैसे कि आप देखो कि मार्केट में बहुत सारी थियोरी, बहुत सारी स्ट्रेटजीज चलती है ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर। बहुत सारे लोग हैं ऑप्शन ग्रीक्स देखते हैं, कुछ ना कोई और टूल्स की मदद से ट्रेडिंग करते हैं। मैं आज आपको प्योरली टेक्निकल बेस पे आरजीटीएस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप किस तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हो, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आरजीटीएस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है ऑलरेडी। BSTAR नेक्स्ट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो कि मुझे रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करेगा ये मेरे अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर में। फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे दो चीज़ें, ट्रेडर्स जो है, पहले तो एक ट्रेडर ऐसे है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स को, मतलब स्पॉट को देख के फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। कुछ ट्रेडर है वो फ्यूचर को देख के ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कि फ्यूचर में निफ्टी बुलिश चल रहा है तो ऑप्शन में कॉल बाई करेंगे, फ्यूचर में निफ्टी बेरिश है तो ऑप्शन में पुट बाई करेंगे। कुछ लोग हैं वो स्पॉट को देखते हैं, मतलब कि जो इंडेक्स चल रहा है उसको देख के फिर बाय सेल करते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको स्पॉट को देखना है या फिर फ्यूचर को देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। सिंपल है, देखिए अभी यहाँ पे मैंने चार्ट लगाया हुआ है, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा है यहाँ पे, फ्यूचर का। यहाँ पे क्या है, सेल सिग्नल चल रहा है 43,276 है, अलबत्त ये सेल सिग्नल अभी भी चल रहा है। ठीक है, यह अभी बना है, मॉर्निंग में एक अच्छा बाय सिग्नल बना था जिसमें एक प्रॉफिट भी अच्छा बना है। ठीक है, सो मैं सिर्फ आपको ये दिखाता हूँ कि किस तरह से हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 43,342। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की 5 स्ट्राइक प्राइस और नीचे का 5 स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कॉल के और पुट के। उसी तरह से निफ्टी में चल रहा है 18,724, हम उसके ऊपर के 5 स्ट्राइक प्राइस और नीचे के 5 स्ट्राइक प्राइस ले लेंगे, मतलब टोटल जो है वो 20 स्ट्राइक प्राइस हम हमारे वॉच लिस्ट में रखेंगे। ठीक है, हमें ट्रेड करना है एट द मनी जहाँ से भी सिग्नल्स मिलता है, बट हम रखेंगे 20 स्ट्राइक प्राइस को ताकि हम देख सकें किसी में अलर्ट हो तो मिस ना हो जाए। अभी आज देखिए मॉर्निंग में जब सिग्नल बना था, बाय का सिग्नल था, तब कॉल का एक अच्छा सिग्नल बना था, बैंक निफ्टी में कॉल अच्छा चला था, 100 रुपीज से बाय का सिग्नल आया था, वो करीब गया 150 तक, मतलब 50 पॉइंट यहाँ पे हमें मॉर्निंग में मिले थे। तो अभी ऑप्शन जो है वो फ्यूचर के साथ उसी, सपोज समझो यहाँ पे कॉल में सेल आ रहा है तो उसका जो पुट होगा वो बाय आ रहा होगा, तो बिल्कुल पैरेलल चलते हैं, कॉल पुट दोनों पैरेलल चलते हैं। यहाँ पे देखिए पुट में बाय सिग्नल है, ठीक है, तो कॉल में क्या है, सेल सिग्नल है। अभी कॉल में बाय सिग्नल आएगा तो पुट में सेल सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि जब आप मंदी कर रहे हो, आपको मार्केट में बेरिश लग रहा है, तब आप पुट बाय कर सकते हो। अब मार्केट में आपको तेजी लग रही है तो आप कॉल बाय कर सकते हो। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूँ, डेटा बेस में मैं डेटा बैकफिल कर लेता हूँ। पहले हम लेते हैं बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी जो है ये बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 43,359। तो मैंने 300 के ऑलरेडी स्ट्राइक प्राइस रखे हुए हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स ऑप्शन 1 दिसंबर, मतलब वीकली कॉन्ट्रैक्ट 4300 के अराउंड के, 4300 मैंने यहाँ पे टाइप किया। अभी 300 सिलेक्टेड है, मैं क्या करता हूँ 400 के कॉल पुट ले लेता हूँ, 500 के कॉल पुट ले लेता हूँ, 600 के कॉल पुट ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, उसी तरह से 200 के ले लेता हूँ, 100 के, 43,000 के और 42,900 के। ठीक है, 700 का कॉल पुट ले लेता हूँ और उसी तरह से 42,800 के कॉल पुट ले लेता हूँ। तो इतने कॉल पुट्स मैंने ले लिया है बैंक निफ्टी के। अभी निफ्टी आ रहा है
निफ्टी आ रहा है 18,724। तुम डेटा में निफ्टी में 18,000 जो है आ रहा है, ठीक है। 18,700 के नॉर्मली आप 100 के गैप में ऑप्शन लो, निफ्टी में जो है वो 50 रुपीज के गैप में स्ट्राइक प्राइस होता है। ओके, तो हम 100 के गैप में लेंगे। मैंने 700 का कॉल पुट ले लिया, फिर लेता हूँ 800 का, फिर 900 का, फिर है 19,000 का, ठीक है, और 19,100 का। उसी तरह से 18,600, 18,500, 18,400, 18,300 और 18,200, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे कॉल और पुट के 10-10 स्ट्राइक प्राइस ले लिए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेटा बैकफिल कर रहा हूँ, ठीक है। आपको प्रॉपरली डेटा बैकफिल करना है। हम क्या करते हैं, डेटा बैकफिल कर लेते हैं। 15 दिन बैकफिल कर रहा हूँ मैं। बैकफिल हिस्टोरिकल डेटा क्यों जरूरी होता है, हिस्टोरिकल डेटा की मदद से ही हमें फ्यूचर के सिग्नल्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब हम जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं वो है स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। सो स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में हमें पिछले कुछ दिन का हाई लो हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेस के ऊपर ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं, बाय या सेल। ओके, दूसरा कि अगर आप RGTS सॉफ्टवेयर पे अगर ये वीडियो देख रहे हो RGTS सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एवरी मंगलवार और शुक्रवार को, एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे में ऑनलाइन होता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग हम करते हैं और उसमें आपको सीखने मिलेगा कि किस तरह से एग्जिट लियर जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क करता है। ओके, बैकफिल कंप्लीट हो गया। अब क्या करता हूँ, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर में वो सारा डाटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी आपको क्या करना है, किसी में भी यहाँ पे आपने अगर अलर्ट लगा के रखा है, ऑल सिंबल्स में कर देता हूँ, ठीक है। और रिसेंट बार, ये कहाँ से आया था, हमें एनालिसिस में जाना है, न्यू एनालिसिस लेंगे। एक बार अगर आपने स्कैनर लगाया है तो वो ऐड होगा, अगर नहीं लगाया है तो चार्ट से वापस स्कैनर में, जो वर्जन 9 है, ठीक है, उसको हम एनालिसिस में लगा लेंगे। 5 मिनट 15 लॉन्ग शॉट लेंगे 5 मिनट्स के हिसाब से और हम स्कैन हिट कर लेंगे, ठीक है। तो किसी भी ऑप्शन में अभी समझो सिग्नल बनेगा तो तुरंत यहाँ पे दिख जाएगा। और अभी यहाँ पे क्या है, निफ्टी जो है वो सेल सिग्नल चल रहा है, उसका स्टॉप लॉस है 18,742। तो 742 के ऊपर बाई बन सकता है प्रैक्टिकली। ओके, तो उससे पहले कंटिन्यूसली बाई चल रहा था एक सिग्नल। तो अगर आप निफ्टी के ऑप्शन को आप देखोगे, ठीक है ना, निफ्टी के कॉल अगर हम देखते हैं तो ये 18,700 अराउंड के अगर कॉल देखो आप, तो उसमें आज मॉर्निंग से बाई सिग्नल्स ऑलरेडी चल रहे थे, ठीक है। और देखो कि अराउंड उसमें भी ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला है। अभी पुट है तो 700 का पुट है, उसमें बाई सिग्नल चल रहा है। तो एक बार आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया कि आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, आप चार्ट के ऊपर वॉच रखो। अभी सेल का सिग्नल चल रहा है तो 18,700 का जो पुट है, ठीक है, 18,700 का जो पुट है वो हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। कब, जब हमें यहाँ पे बाय सिग्नल पुट में मिलता है तब। अभी पुट सेल आ रहा है मतलब कि कोई अच्छा सिग्नल नहीं है, बट हम पुट के ऊपर वॉच रख सकते हैं। पुट में बाय सिग्नल मिलता है तो हम बाय करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 18,800 का कॉल जो है वो सेल आ रहा है, मतलब कि 800 के पुट में बाय सिग्नल यहाँ पे देखो बनना चालू हो गया, ठीक है। देखिए बाय सिग्नल अभी बन रहा है,
5 मिनट वेट करेंगे फिर एंट्री बना लेंगे। अभी इसमें हम एंट्री बना सकते हैं, 200 का स्टॉप लॉस आएगा, 230 चल रहा है, ठीक है। क्यों सिग्नल बन गया तुरंत, आप देखो 700 में भी सिग्नल बन गया होगा, 18,700 या फिर बन रहा होगा, 700 में भी बन गया, देखिए क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी ने वापस यहाँ पे सॉरी क्योंकि ये निफ्टी ने यहाँ पे वापस सेल से मतलब कि री एंट्री बनाया, यहाँ पे सिग्नल बन रहा है देखिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये बाय सिग्नल को ट्रेड कर लेना है। अभी देखिए 145 आ रहा है और आपका स्टॉप लॉस है 126, सो आप देखो 126 के नीचे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो, 145 माइनस 126 आपका 19 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। सो 950 रुपये पर लॉट आपका रिस्क है, यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो, ओके। सो सिंपल है, ऑप्शन ट्रेडिंग इस तरह से आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, एट द मनी कॉल या पुट ट्रेड करना है, निफ्टी या बैंक निफ्टी बुलिश है तो आपको एट द मनी कॉल ट्रेड करना है, बेरिश है तो एट द मनी पुट बाय करना है, ओके। अगर आप समझो इसी तरह से, मैंने तो यहाँ पे फ्यूचर का सिंबल लेके दिखाया आपको, उसी तरह से आप जो है वो कैश का मतलब कि इंडेक्स को देख के भी कर सकते हो। इक्विटी इंडेक्स ले लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, और उसको बैकफिल कर लेते हैं। जितनी बार भी आप सिंबल ऐड करते हो उतनी बार आपको बैकफिल लेना पड़ेगा, ठीक है। सो इसीलिए मॉर्निंग में जब मार्केट खुलता है उससे पहले जब आप आते हो तो आपको पहला काम क्या करना है, आपको बैकफिल कर लेना है सारा जो डाटा आपको चाहिए। अभी जब क्लोज हो जाता है बाजार, अभी 3:30 को मार्केट क्लोज हो जाएगा, तो जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस है वैसे 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर का और 5 स्ट्राइक प्राइस नीचे का कॉल और पुट दोनों का ले लेना है, चार्ट के ऊपर लगा देना है, बैकफिल कर लेना है और नेक्स्ट डे जब भी कोई सिग्नल उसमें बनता है तो उसके ऊपर ट्रेड करना है, ठीक है। वेट करते हैं बैकफिल हो जाए, ये बैकफिल हो गया हमारा डाटा, मिनिमाइज करता हूँ, एक नया डिफॉल्ट चार्ट लिया मैंने, ठीक है। ये बैंक निफ्टी स्पॉट आ रहा है 43,116, सो आप 116 का कॉल पुट भी लेके उसको ट्रेड कर सकते हो। 116 का कॉल पुट हम ऐड करते हैं, नहीं उसके अराउंड का, लाइक 116 आ रहा है तो 43,100 का जो है ऑप्शन इंडेक्स 1 दिसंबर 43,100 का कॉल और पुट दोनों हम ले लेते हैं। ओके 100 के कॉल पुट ऑलरेडी हमने ऐड किए हुए हैं, ओके। सो 43,100 अब कॉल देखो, ओके और ये है पुट, ठीक है। सो अराउंड बाय का सिग्नल है बट अराउंड दिस प्राइस यहाँ पे अभी चल रहा है। सो इंडेक्स के साथ भी कर सकते हो, यहाँ पे मेरा कहने का इंटेंशन वो है कि आपको ऑप्शन किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, ये कंसिस्टेंटली हमें अप्लाई करना पड़ेगा किसी भी स्ट्रेटेजी को अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे टाइम फ्रेम हमने ले लिया था 1 मिनट, सो 5 मिनट में आप देखिए ऑलरेडी बाय के सिग्नल्स चल रहे हैं, ठीक है। इसका भी 5 मिनट टाइम फ्रेम ले लेते हैं, टाइम फ्रेम ऑलवेज देख लेना है, अब 5 मिनट कंपलसरी आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए, ठीक है। सो उसके हिसाब से आप देखो 43,700 के कॉल में भी ऑल जो ये पुट है उसमें ऑलरेडी बाय का सिग्नल है, ठीक है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अभी बेरिश चल रहे हैं, ओके फ्रेंड्स। सो इस हिसाब से आप ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन का डाटा इस तरह से आप बेस्ट आरटी सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हो और उसको ट्रेड कर सकते हो। अगर कुछ दिक्कत लगती है आप सपोर्ट टीम से कॉन्टेक्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।
I am Arindam Sarkar from West Bengal. I use RGTS software from last 6 months. I trade in currency and I trade every day, and it gives me a great result. The accuracy of this software about 90%. I use 15 minutes and 5 minutes time frame, and if any day is a hit, I recover it on same day. So thank you, RGTS software. And I suggest everybody to buy this software. I brought it for lifetime. Thank you. Hi, my name is Balasubramanyam. I'm from Bangalore. And I've been using RGTS software for last 5 months. And it's been working very well. And the accuracy rate is more than 85%. And I recommend RGTS software. And they're very quick in response. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपक शर्मा। जब से मैं RGTS ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, तब से मुझे कमोडिटी और इक्विटी में बहुत फायदा हुआ है। हाय, मायसेल्फ प्रसन्ना पिल्लई फ्रॉम केरला। आई एम यूजिंग दिस RGTS सॉफ्टवेयर फॉर द लास्ट 18 मंथ्स। दे आर प्रोवाइडिंग वन ऑफ द बेस्ट सिग्नल विद बाय एंड सेल। Charts are available with 1 minute, 5 minute, 15 minutes and all. And the scanner pop-up with alert system also there. That also one of the best software indication. The staffs are most cooperative and they are providing excellent services and ready to clear our doubts. And I am sure that once you go with them, you will begin benefited with this software, RGTS. Please go with it. Thank you. Hello friends. Mera naam Ravi Shankar hai. और मैं एक साल से RGTS सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद देम। मैं इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल ट्रेड करता हूँ। इफ़ यू गेट द करेक्ट बाय सिग्नल्स एंड सेल सिग्नल्स, यू कैन मेक वेरी गुड प्रॉफिट इंट्राडे। और आई वुड रिकमेंड पीपल to go for this software. Thank you.